तुम देखो अमित शाह की बॉडी लैंग्वेज, देखो साले की बॉडी लैंग्वेज, बिल्कुल 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 पार्लियामेंट में गुंडा लगता है, गुंडा। मेरे इतने बड़ी तादाद में आए हुए बहनों और भाइयों, आप आने वाले कानून के बारे में सब जानते हैं, तो मैं थोड़ी कानून की बात कम करूंगा, लेकिन कानून की नींव किस तत्वज्ञान से, यानी कौन डाल रहा है, ये हमें समझना चाहिए। आप मुझे सहकार्य करेंगे, मैं कहूंगा मोदी शाह कौन है, आप कहेंगे आरएसएस के दलाल है। एक मिनट, मोदी शाह कौन है, आरएसएस कौन है, देश का दुश्मन है। आरएसएस कौन है, आरएसएस कौन है, ये जो यहाँ का पुलिस कमिश्नर है ना, ये और देवेंद्र फडणवीस नागपुर में बाजू में रहते, एक ही घर के बाजू में, इसको उसके लिए इसको 6 महीने दिए थे, उन्होंने हमारा मोर्चा रद्द किया है। मैं सब पॉलिटिशियन से बोला, लेकिन उन्होंने बोला कि पुलिस का रिपोर्ट है कि जब आप मोर्चा निकालेंगे तो दंगा होने की कोशिश है, आरएसएस वाले दंगा करेंगे, ये आरएसएस वाले को डर के हमारी परमिशन ना कर दी आज, तो इसलिए हम बोलते हैं कि अभी दूसरी एक स्लोगन एक ही मिनट की है, एक है ये मोदी शाह दो गुंडे, मोदी शाह झूठ के पुलिंदे। अभी हम एक शपथ लेंगे, पहली बात है कि हम जब घर जाएंगे तो शांति से जाएंगे, किसी हालत में यदि कोई गुंडा मिलता है तो उसको मिलके पुलिस के हाथ देंगे, हम मारेंगे नहीं। हम महात्मा गांधी के रास्ते से, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते से जा रहे हैं। महात्मा गांधी ने हमें बोला कि जब सरकार कहेंगी, कानून करके कहेंगी कि आप नंगा नाचो, आप नाचेंगे क्या, आप नाचेंगे क्या, तो हम वो कानून तोड़ेंगे। हम ये कानून, जो भी बहुसंख्यक समाज अल्पसंख्यकों पर अन्याय करने वाला कानून बनाता है, वो कानून हम नहीं मानेंगे, वो कानून मानना नपुंसकता है। मैं खुद न्यायमूर्ति होके ये बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि जनशक्ति इतनी दूसरी ताकतवर शक्ति दुनिया में नहीं है। ये मोदी और शाह जनशक्ति के सामने मच्छर है, मच्छर। लेकिन हम आज तक बटे हुए थे, हम इसी दिन की राह देख रहे थे कि सब हम एक आएंगे, सब जाति धर्म के लोग एक आएंगे, ये हमारा सपना था, वो मैं 30 साल से काम कर रहा हूं, ये आज सच हो गया। ना हम राजनीति में ना हम जात मानेंगे, ना हम धर्म मानेंगे, ना हम कलर मानेंगे, हम सिर्फ गरीब और श्रीमंत, यानी हमारे दुश्मन है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था ब्राह्मणवादी शक्ति और पूंजीवादी शक्ति हमारे दुश्मन है, तो इसके खिलाफ लड़ना नहीं है। हम सालों से रास्ते पर लड़ रहे हैं तभी अभी जिंदा है, सालों से लड़ रहे हैं तभी जिंदा है। आप घर में बैठ के मरेंगे कि नहीं मरेंगे, मरेंगे कि नहीं मरेंगे? अरे घर में बैठ के सर के मरने के बजाय रास्ते पर आके मरो।
घर में बैठ के सड़ने के बजाय हमारे साथ रास्ते पे आकर और लड़ो, हम आपको न्याय दिलवा देंगे। एक हम शपथ लेंगे, हम भारत के लोग शपथ लेते हैं कि हम संविधान के धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति समर्पित है और भारत की विविधता और एकता पर गर्व करते हैं। हम शपथ लेते हैं कि हम धर्म जाति भाषा संस्कृति के आधार पर भेदभाव के बिना सभी नागरिकों को समान दृष्टि से देखेंगे और हम हर कदम पर इनको विरोध करते रहेंगे। जो स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों को खंडित करता हो, संविधान को कुचल कुचल के मारता है, हम मानते हैं कि नागरिकता संशोधन विधेयक और ये जो तीन विधेयक है, तीन चार नाम लेने की जरूरत नहीं, ये सब विधेयक संविधान के खिलाफ हैं। संविधान ने जो दायरे में करने की इजाजत है उसको हम विरोध नहीं करेंगे, लेकिन ये तीनों कानून विरोध में है। हम इस विधेयक को, यानी हम ये तीनों कानून को मानेंगे नहीं, हम इसका विरोध आखिरी सांस तक विरोध करेंगे। हम किसी के गुलाम नहीं है। अभी ये मुस्लिम बेटी बोल रही थी कि हम मुस्लिम हमारे आइडेंटिटी के लिए झगड़ रहे हैं। अरे ये कौन होते तुमको आइडेंटिटी देने वाले? हम देश के मालिक हैं। ये साले गुंडे इनकी हमारे जनशक्ति रोकने की बिल्कुल ताकत नहीं है। उनके चेहरे आज ही छोटे छोटे हो गए हैं। ये जो सरकार है, सुन लीजिए, मैं बड़े जिम्मेदारी से कहता हूँ, मैं 2013 से ईवीएम के खिलाफ लड़ता हूँ। ये जो सरकार है, ये हमने चुनी हुई सरकार नहीं है। ये ईवीएम की सरकार है और ये जो सत्ता पर बैठे हैं वो रोबो है। रोबो समझते क्या नहीं? तुम देखो अमित शाह की बॉडी लैंग्वेज, देखो साले की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल पार्लियामेंट में गुंडा लगता है, गुंडा। हमारे आज तक जिन लोगों ने राज किया, हमारे ऊपर जिन्होंने राज किया, वो भी हरिचंद्र नहीं है। साले इन्होंने गलती किया, इसलिए ये बदमाश हमारे माथे पर बैठे। लेकिन हम इनको सबको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए महाराष्ट्र में मैं सबके पांव पड़ता था, अरे पहले ये जहरीला जनसंघ बाजूला करो, शिवसेना अपनी है। ये मेरा प्रस्ताव 2014 से था। मैं कोशिश कर रहा था कि शिवसेना का हिंदुत्व मुझे मालूम है। बाला साहेब ठाकरे मुझे बोलते थे कि मुझे सत्ता चाहिए, यदि मुझे हिंदुओं को गालियां देकर सत्ता मिलेगी तो मैं हिंदुओं को गाली दूंगा, यदि मुझे मुसलमानों को गाली देकर सत्ता मिलती है तो मैं उनको गाली दूंगा। लेकिन संघ की जहरीली विचारधारा ने और उनके पूर्वजों ने हमें हजारों साल न चैन से रहने दिया, न खाने दिया, न सोने दिया। साले ये बदमाश आज सत्ता पे आ गए। हमारे कई लोग उनमें शामिल है, संघ में हमारे कई लोग शामिल है, लेकिन वो बेचारे अज्ञानी है, उनको जानते नहीं। तो इसलिए हम आज वादा करके जाएंगे जो अभी एक बेटे ने बोला कि 1 तारीख को हम रास्ते पर आएंगे। मैं तो कहता हूँ
जब तक मोदी शाह जाते नहीं, हम हमारा घर छोड़ के सिर्फ रास्ते पर आएंगे। और मैं 80 साल का बुढ़ा आपको वादा करता हूं कि आपके कंधे के कंधे मिलाकर मैं आपके हाथ रहूंगा। तो कबूल है कि नहीं? हम रास्ते पर आएंगे, हम पुलिस को नहीं डरेंगे, हम जेल को नहीं डरेंगे, हम मरने से नहीं डरेंगे। अरे ये बातें समझ लाई तो कौन सा कानून हमारा क्या बिगाड़ सकता है। जय भारत, जय भारत, जय भारत।